ऊना में जो घटना हुई जिसमें एक विधि संघर्षित लड़के ने एक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल को एक प्रकार से उस पर बैठे हुए जो दो लोग हैं उनको एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए, उनके साथ एक्सीडेंट किया और इसके बाद एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरेज भी पुणे में हमको देखने को मिला, क्योंकि जिस समय इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और दो लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरेज और बढ़ा। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है, ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी, ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है, आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापिस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है, शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी। लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। साथ में पुलिस ने इस मामले में जो जिन्होंने लिकर सर्व किए, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, मालिक है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। पहली बार इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, उनको 4 दिन का पीसीआर मिला है और ये जो बालक है इसके जो पिताजी है उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है, क्योंकि अपना बेटा ड्राइविंग एज से कम होता है ये पता होते हुए भी उन्होंने उसको गाड़ी दी है, इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई यहां पर की गई है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजें न हो इस दृष्टि से रेसिडेंशियल एरियाज में जो पब्स है इसको रेगुलेट करना, इसको रिकंसिडर करना, इस बारे में भी कोई पॉलिसी तैयार करने का विचार चल रहा है। साथ में यहां पर लाइसेंस से जो इश्यू हुए उसके नियमों का पालन होता है या नहीं, पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग और महानगर पालिका इनको भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वे लोग इसके बारे में पूरी तफ्तीश करें और जहां पर वॉयलेशन है वहां पर क्लोजर का ऑर्डर दे। साथ साथ ये जो सारे इलाके हैं इनमें बड़े पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए और ड्रंकन ड्राइविंग की टेस्ट लेकर और उनको रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाने का भी प्रयास ये पुलिस की ओर से किया जाएगा। साथ ही में यह जरूरी है कि जो लोग बार में जाते हैं या इस प्रकार के पब में जाते हैं
उनके पास लीगल एज है या नहीं, इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ये चेक किया जाना चाहिए। ये होता नहीं है, इसको चेक करने के आदेश भी दिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जाएगा कि बाहर सीसीटीवी लगाकर उसको चेक किया जाएगा ताकि कभी भी पुलिस या कोई भी विभाग, एक्साइज विभाग, ये चेक कर पाएगा कि इस प्रकार से उन्होंने किया है या नहीं किया है। और साथ में ये भी प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस दृष्टि से लॉन्ग टर्म हम लोग कोई व्यवस्थाएं वहां पर कायम करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और इस घटना में पुलिस ने 304 अप्लाई किया है, 304 ए ने, ये हीनियस क्राइम के रूप में पुलिस इसको ट्रीट कर रही है। और इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ, यानी कोई आफ्टर थॉट है इस प्रकार से नहीं, इन देयर फर्स्ट एप्लीकेशन पुलिस ने 304 ही इसमें लगाया हुआ है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। एफआईआर की कॉपी हमारे पास में 8:13 19 तारीख को एफआईआर फाइल हुई, लेकिन इसमें 304 ए है। पब्लिक में ऐसा माना जा रहा है कि अमितेश कुमार साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब इंटरवीन किया तब येरोडा पुलिस स्टेशन ने 304 में इसको कन्वर्ट किया। नहीं, ये कोर्ट में जाने से पहले 304 किया गया था। देखिए, जब सीनियर्स गए, अब कोर्ट का मेरे पास रिमांड है ना, कोर्ट में जब उनको प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट में 304 किया गया है। इसलिए जब सीनियर्स गए और सीनियर्स ने वहां पर जाकर कोर्ट में जाने से पहले इंटरवेंशन किया और उसको 304 ही किया है। कोर्ट में 304 ए नहीं गया, कोर्ट में 304 ही गया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है इस मामले को लेकर उन्हें पुलिस ने लापरवाही बरती, जब प्रेशर बना तब जाके कार्रवाई किया और प्रेशर बना है कि बिल्डर पर पॉलिटिकल दबाव था। क्योंकि शुरू के देखिए, मैं पहले बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, इसमें आप अगर टाइमिंग देखिए तो आपके ध्यान में आएगा, सही वक्त पर एफआईआर दाखिल हुआ। एफआईआर दाखिल होने के बाद जब सीनियर्स ने इंटरवेंशन किया और सीनियर्स ने कहा कि 304 ए ये तो एक प्रकार से उनको नेग्लिजेंस का फायदा मिलेगा, इसमें तो क्लियर कट ये दिख रहा है क्या घटनाएं हुई है, इसलिए जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया उस समय 304 ही लगाया गया। कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और मैंने तो इतना ही नहीं, सीपी साहब को ये कहा है, एक एसीपी को हमने पूरा जितना समय वो पुलिस स्टेशन में वो लोग थे उस पूरे समय का सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा है। इसमें अगर कोई दबाव डाल रहा है, उनको कोई अलग से मदद की गई है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।